हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीआरआई। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में टोटल थ्री स्मॉल कैप ऑटो एंसिलरी कंपनी की स्टॉक को लेकर बात करेंगे और ये तीनों ऑटो एंसिलरी स्टॉक इन फ्यूचर इन्वेस्टर को मल्टीवेगर रिटर्न बनाकर देने की दम रखता है। देखिए दोस्तों, इंडिया एक हाई पॉपुलेशन कंट्री और इंडिया का इकोनॉमी भी अभी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, इसलिए मुझे लगता है ऑटो सेक्टर आगे अच्छा खासा ग्रोथ दिखा सकता है। और अगर ऑटो सेक्टर ग्रो करेगा तो ऑटो एंसिलरी सेक्टर में जो जो कंपनी कामकाज कर रहे हैं, मतलब ऑटोमोटिव इक्विपमेंट बना रहा है, उस तरह के कंपनी में बहुत अच्छा खासा तेजी हम लोगों को देखने को मिलेगा। मतलब एज ए प्रॉक्सी प्लेयर ऑटोमोटिव इक्विपमेंट कंपनी काम कर सकता है इन फ्यूचर में ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए। तो जल्दी जल्दी सारे कंपनी के फंडामेंटल के बारे में बात करेंगे, फाइनेंशियल के बारे में बात करेंगे, टेक्निकल के बारे में भी बात करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। अगर पॉसिबल हो तो विदाउट की वीडियो को एंड तक देखने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती थी तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। सही स्टॉक का इन्फॉर्मेशन अगर आप सही टाइम पे पाना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। पास में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालू तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। पहला कंपनी का नाम है एनडीआर ऑटो कंपोनेंट्स लिमिटेड। शेयर प्राइस 1622 रुपीस पे चल रहा है। देखिए, एनडीआर ऑटो कंपोनेंट्स लिमिटेड एक्चुअली 2019 में इनकॉर्पोरेट हुआ था। ज्यादा पुराना कंपनी नहीं है लेकिन इस फील्ड में बहुत बढ़िया कामकाज कर रहा है। एनडीआर ऑटो कंपोनेंट्स लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, सीट फ्रेम मैन्युफैक्चरिंग करता है, फॉर पैसेंजर कार एंड यूटिलिटीज व्हीकल के लिए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करता है। एनडीआर ऑटो कंपोनेंट्स लिमिटेड फोर व्हीलर्स एंड टू व्हीलर दोनों सेगमेंट में ही कामकाज कर रहा है एंड अदर एक्सेसरीज प्रोडक्ट भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं एनडीआर ऑटो कंपोनेंट्स लिमिटेड। एक्सीलेंट कंपनी है। चलिए एक बार कंपनी का फंडामेंटल के बारे में बात कर लेते हैं। जस्ट 1900 करोड़ का कंपनी है, एक स्मॉल कैप लेवल का कंपनी है। दोस्तों, जिस तरह से कंपनी का बिजनेस ग्रो कर रही है, जिस सेगमेंट में कामकाज कर रहे हैं, मुझे लगता है मार्केट साइज ऑलमोस्ट इधर से 3-4 गुना इंक्रीज हो सकता है, इतना ज्यादा पोटेंशियल है कंपनी के अंदर। एंड स्टॉक का पी चल रही है 45.9 पे। देखिए, पूरा इंडस्ट्री अभी 36 पे चल रहा है और इसके आसपास ही चल रहा है स्टॉक का पी। मतलब इधर से अगर पी और भी अगर ऊपर जाता है, मतलब बढ़ जाता है, तब भी एनडीआर ऑटो कंपोनेंट्स लिमिटेड का जो वैल्यूएशन है वो ठीक ठाक ही रहेगा। और मैनेजमेंट का गाइडेंस तो आया ही है, इन फ्यूचर रेवेन्यू के अंदर तेजी देखने को मिलेगा, अच्छा परसेंटेज से बिजनेस ग्रो करेगा, अच्छा प्रॉफिट इंक्रीज होगा, इसीलिए अगर फॉरवर्ड भी देखा जाए तो कम होगा। एंड एनडीआर ऑटो कंपोनेंट्स लिमिटेड का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही डबल डिजिट पे है। इस साल कंपनी ने 42 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी पोस्ट किया, कंसिस्टेंटली प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। ईपीएस की बात करो 35 के पे चल रहा है, सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ ईपीएस कर रहा है क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस इंक्रीज हो रहा है। इसीलिए डेट 31 करोड़ का दिख रहा है, बहुत ही लोडेड कंपनी, एक्सट्रीम लोडेड कंपनी, क्योंकि डेट टू इक्विटी रेशियो देखिए 0.12, मतलब बहुत लोडेड कंपनी एनडीआर ऑटो कंपोनेंट्स लिमिटेड। प्रोमोटर के पास 73% से ज्यादा का शेयर है और प्लेज्ड करके नहीं रखा है। देखिए, एंड पब्लिक के पास आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 26.95% स्टेक है, बट एफआईआई और डीआईआई अभी तो एनडीआर ऑटो कंपोनेंट्स लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट करके नहीं रखा है, लेकिन जैसे जैसे बिजनेस ग्रो होता जाएगा, कंपनी बड़ा होता जाएगा, मुझे लगता है इन फ्यूचर एनडीआर ऑटो कंपोनेंट्स लिमिटेड में हम लोगों को एफआईआई और डीआईआई भी इन्वेस्टमेंट करते हुए देखने को मिलेगा। ठीक है, ये टाइम देना पड़ेगा। एंड प्लेज्ड करके नहीं रखा है, रिटर्न ओवर द 3 इयर्स 101%। 5 साल अभी नहीं हुआ है, मार्केट में लिस्टिंग है एनडीआर ऑटो लिमिटेड, इसलिए 5 साल का रिटर्न स्टे अवेलेबल नहीं है, बट 3 साल का रिटर्न तो कमाल हो गया। पिछले 3 सालों से सीएजीआर 100 मिल रहा है, मतलब एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर एनडीआर ऑटो कंपोनेंट्स लिमिटेड में पिछले 3 सालों में ऑलमोस्ट 3 गुना कर चुका है पैसा। ये रिटर्न हिस्ट्री बता रहा है, अभी भी 1900 करोड़ का कंपनी, ग्रोथ पोटेंशियल आगे बहुत ज्यादा है, मतलब फ्यूचर में भी इससे ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ देखिए कितना बढ़िया चल रहा है, 74% लास्ट 3 इयर्स का सेल्स ग्रोथ और लास्ट 3 इयर्स का प्रॉफिट ग्रोथ 65%। आप एवरेज मान लीजिए 60% सीएजीआर से एनडीआर ऑटो कंपोनेंट्स लिमिटेड का बिजनेस जो है वो ग्रो कर रहा है। एक्सेलेंट फंडामेंटल है एनडीआर ऑटो कंपोनेंट्स लिमिटेड का। चलिए एक बार टेक्निकल के बारे में बात कर लेते हैं। टेक्निकल चार्ट देखिए कितना फैंटास्टिक है, स्टॉक का चार्ट जो लॉन्ग टर्म के लिए ऊपर ही जा रहा है और मैं इधर में वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ये चार्ट आप लोगों को दिखा रहा हूं और वॉल्यूम के साथ स्टॉक इधर में ऊपर गया है। दोस्तों, अभी जो प्राइस चल रही है, इस प्राइस पे एनडीआर ऑटो कंपोनेंट्स लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देना है। ठीक है, क्योंकि स्टॉक के अंदर तेजी बना हुआ है, स्टॉक एवरीडे हाई बना रहा है, इसलिए मुझे लगता है और जो स्टॉक ऊपर जा रहे हैं वो ऊपर जाने की पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। ठीक है, करंट मार्केट प्राइस पे बाय करके छोड़ना है।
बट खरीदा है बट नीचे अब एवरेज करना चाहते हैं, ठीक है, किस प्राइस पे आप एवरेज कर सकते हैं? देखिए, अगर इंडियन ऑटो कंपोनेंट्स लिमिटेड का प्राइस 1430 पे भी आ जाता है तो एवरेज आउट भी किया जा सकता है। ये कुछ टेक्निकल मुझे लग रहा है, फंडामेंटल के साथ साथ इंडियन ऑटो कंपोनेंट्स लिमिटेड का टेक्निकल भी मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। नेक्स्ट कंपनी का नाम है तिरुपति फॉर्ज लिमिटेड, 29 रुपीज का शेयर, देखिए पेनी स्टॉक आप कह सकते हैं तिरुपति फॉर्ज लिमिटेड को। 2012 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ था, ये भी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मास क्वालिटी कार्बन स्टील फॉर्ज फ्लैक्स एंड फॉर्ज कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग करता है तिरुपति फॉर्ज लिमिटेड। एंड तिरुपति फॉर्ज लिमिटेड एक गुजरात बेस्ड कंपनी है। देखिए कंपनी एक्चुअली गियर बनाने के लिए कंपनी का प्रोडक्ट यूज किया जाता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। कंपनी माइल्ड स्टील, कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, ये सभी तरह का जो प्रोडक्ट होता है वो तिरुपति फॉर्ज लिमिटेड का एज ए प्रॉक्सी प्लेयर प्रोडक्ट यूज किया जाता है। तो एक्सीलेंट कंपनी है, इंडस्ट्री में बहुत एक्सीलेंट कामकाज कर रहा है कंपनी। चलिए फंडामेंटल के बारे में बात कर ले, जस्ट देखिए 300 करोड़ का कंपनी है, एक माइक्रो कैप कंपनी है, इसीलिए इसमें ग्रोथ पोटेंशियल मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है। जस्ट 300 करोड़ का कंपनी है इसीलिए कंपनी ग्रो नहीं होगा, कंपनी का बिजनेस भी बहुत बढ़िया है, ठीक है, इसीलिए कंपनी ग्रो करेगा और पोटेंशियल बहुत ज्यादा मिल जाते क्योंकि अभी 300 करोड़ का कंपनी, इसीलिए गैप बहुत ज्यादा, स्पेस आगे बढ़ने का बहुत ज्यादा लग रहा है मुझे। जस्ट 37 के मल्टीप्लाई पी पे चल रही है, पूरा इंडस्ट्री अभी देखिए ऑलमोस्ट 36 पे चल रहा है, सेमिलर चल रहा है 37 पे मल्टीप्लाई पी पे है, इसलिए इधर से अगर पी फ्यूचर में 45 या 50 पे भी चला जाता है तब भी तिरुपति फॉर्ज लिमिटेड का वैल्यूएशन ठीक ठाक ही रहेगा मुझे लग रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही डबल डिजिट पे है। इस साल कंपनी ने 8 करोड़ का नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है, अभी तो सिंगल डिजिट में प्रॉफिट कमा रहा है, इन फ्यूचर ये डबल डिजिट पहुंचने वाला है। रिसेंट क्वार्टर में शायद हम लोगों को देखने को मिलेगा कि कंपनी का शायद जो प्रॉफिट है वो डबल डिजिट पहुंच गया, 10 करोड़ हो गया है। ईपीएस की बात करो 0.80 चल रहा है, डेट सिर्फ 13 करोड़ का है, बहुत लो डेट कंपनी है। डेट टू इक्विटी रेशियो देखिए 0.26 चल रहा है, मतलब 1 से काफी नीचे चल रहा है तिरुपति फॉर्ज लिमिटेड का डेट टू इक्विटी रेशियो। प्रोमोटर के पास 55.8% स्टेक है, प्लेज्ड करके नहीं रखा है, और देख सकते हैं पब्लिक के पास 44% स्टेक है, बट अभी FII और DII स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके नहीं रखा है, लेकिन अभी तो 300 करोड़ का कंपनी है, इतना छोटा कंपनी में ज्यादातर FII DII इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। जैसे जैसे कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड, पॉजिटिव ट्रैक रिकॉर्ड क्रिएट होगा, उस हिसाब से FII और DII कंपनी में इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। मतलब फ्यूचर में अगर तिरुपति फॉर्ज लिमिटेड का मार्केट साइज 1000 करोड़ चला जाता है, ठीक है, 3 गुना इधर से अगर इंक्रीज हो जाता है तो मुझे लगता है FII और DII भी इस स्टॉक में एंटर करते हुए देखने को मिल सकता है। और अगर कंपनी का फंड मतलब मार्केट कैप अगर 1000 करोड़ चला जाएगा तो इन्वेस्टर का फंड भी तब तक 3 गुना तो हो ही जाएगा। पिछले 3 साल का रिटर्न देखिए 43%, पिछले 5 साल का रिटर्न 58%, बहुत बढ़िया CAGR से रिटर्न मिल रहा है तिरुपति फॉर्ज इंडिया लिमिटेड के अंदर। एंड सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ देखिए माइंड ब्लोइंग, पिछले 3 साल का एवरेज सेल ग्रोथ 52.9% और प्रॉफिट ग्रोथ तो ट्रिपल डिजिट पे चल रहा है 162%, रॉकेट के स्पीड से तिरुपति फॉर्ज लिमिटेड का बिजनेस इधर में ग्रो कर रहा है। नो डाउट कंपनी का फंडामेंटल एक्सीलेंट है। चलिए एक बार टेक्निकल के बारे में बात कर लेते हैं, टेक्निकल कितना फैंटास्टिक, देखिए स्टॉक के अंदर डाउन ट्रेंड था लेकिन स्टॉक अभी एकदम अप मूव पे है, स्टॉक के अंदर कंटिन्यूअसली आप मूव देखने को मिल रहा है, हायर हाई करके ऊपर जा रहा है। और इधर में देखिए वॉल्यूम कितना अच्छा खासा इंक्रीज है, वॉल्यूम के साथ स्टॉक ऊपर गया देखिए। और सबसे मेन पॉइंट, स्टॉक ने राउंडिंग बॉटम पैटर्न क्रिएट किया है, राउंडिंग बॉटम पैटर्न क्रिएट करके ब्रेकआउट दिया है, मतलब 25 का एक ब्रेकआउट जोन था जो उसके पार चला गया है। करंट मार्केट प्राइस पे भी आप तिरुपति फॉर्ज लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं क्योंकि कंपनी का फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है, टॉप पे बैठा है। लेकिन अगर स्टॉक बाय चांस नीचे आ जाते खरीदने के बाद तो आप किस प्राइस पे एवरेज कर सकते हैं, ठीक है, स्टॉक अगर बाय चांस नीचे आ जाता है तो 25.79 या 26 इसके पास आप एवरेज भी करके चल सकते हैं। कंपनी का फंडामेंटल बढ़िया है, एवरेज किया जा सकता है, नो डाउट। दोस्तों नेक्स्ट कंपनी की नाम बताओ, उससे पहले बोलना चाहूंगा अगर आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में लिंक पिन कर दिया इंडिया के नंबर 1 डिस्काउंट ब्रोकर हाउस का,
उस लिंक के थ्रू आप बिल्कुल ही फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट जाने शुरू कर सकते हैं। अगर आप हमारे लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे तो लाइफ टाइम के लिए आपका ब्रोकरेज चार्ज और डीमैट अकाउंट का एनुअल मेंटेनेंस चार्ज ये सब फ्री हो जाएगा। सिर्फ हमारे लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करके फायदा आपको मिलेगा। तो जल्दी जाइए, लिंक को यूज करके फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए। एंड अगर आप मार्केट में कंटिन्यूअसली अपडेट रहना चाहते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है जानना चाहते हैं, कौन से सेक्टर में चल रहे हैं टेलविंड, कौन से सेक्टर आगे अच्छा खासा ग्रोथ दिखा सकता है, जिस सेक्टर में अच्छा पैसा बन सकता है फ्यूचर में, यह अपडेट अगर आप पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट कंपनी का नाम है सीरम पिस्टन एंड रिंग्स लिमिटेड। एक्सीलेंट प्लेयर है, इंडस्ट्री में लीडिंग प्लेयर है सीरम पिस्टन एंड रिंग्स लिमिटेड। 2110 रुपीज पे शेयर प्राइस अभी मार्केट में ट्रेड कर रहा है। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है सीरम पिस्टन एंड रिंग लिमिटेड, जो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का प्रॉक्सी प्लेयर बन सकता है। देखिए, कंपनी एक्चुअली पिस्टन, पिस्टन पेन, पिस्टन रिंग, इंजीनियरिंग वाल्व और ये सारा प्रोडक्ट जो कि वेरियस टाइप ऑफ ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स होता है, जो कि डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट मार्केट में कामकाज कर रहा है सीरम पिस्टन एंड रिंग्स लिमिटेड। मतलब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अगर ग्रो करेगा तो सीरम पिस्टन लिमिटेड जिस तरह का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, बहुत सारा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए, इसका सीधा सीधा प्रॉक्सी प्लेयर सीरम पिस्टन एंड रिंग्स लिमिटेड बन सकता है। चलिए एक बार कंपनी का फंडामेंटल के बारे में जान लेते हैं। देखिए, जस्ट 9200 करोड़ का कंपनी, एक स्मॉल कैप कंपनी है, 10000 करोड़ का कंपनी नहीं है। इन फ्यूचर 10000 करोड़ तो जाएगा ही जाएगा कंपनी का जो मार्केट साइज है। इवेंट अगर आप टाइम देते हैं तो इसका जो मार्केट साइज है वो 30000 करोड़ भी जा सकता है, 30 से 50000 करोड़ भी जा सकता है। इस तरह का ग्रोथ पॉसिबल है सीरम पिस्टन एंड रिंग्स लिमिटेड के अंदर। 20 के मल्टीप्लाई पी पे अभी जस्ट कंपनी कामकाज कर रही है और पूरा इंडस्ट्री चल रहा है 36 पे। मतलब इधर से पी अगर 40 पे भी चला जाता है, डबल हो जाता है, तो तब भी सीरम पिस्टन एंड रिंग्स लिमिटेड का वैल्यूएशन ठीक ठाक रहेगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही 20% क्रॉस कर गया है, जो कि बहुत अच्छा रेशियो। इस साल कंपनी ने 452 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी पोस्ट किया है। ईपीएस की बात करो 104 चल रहा है, देखिए ट्रिपल डिजिट में ईपीएस चल रहा है और कंपनी का प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस ग्रो कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रही है, इसलिए पी के अंदर भी हम लोगों को ग्रोथ देखने को मिल रहा है सस्टेनेबली। डेट 487 करोड़ का है, बहुत ही लोडेड कंपनी है क्योंकि डेट टू इक्विटी रेशियो देख सकते हो 1 से काफी नीचे चल रहा है। प्रोमोटर के पास 46.8% स्टेक है और इस स्टॉक में बड़े इन्वेस्टर नजर बना के रखा है। देखिए एफआईआई इस स्टॉक पे ऑलमोस्ट 2% स्टेक होल्ड कर रहा है और पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में स्टेक को इंक्रीज भी किया है। सबसे ज्यादा स्टेक तो डीआईआई के पास है, 11% ऑलमोस्ट स्टेक को इंक्रीज कर रहा है, 12% आप मान के चल सकते हैं, ठीक है। और पब्लिक के पास 39.46% शेयर है। मतलब मैक्सिमम शेयर बड़े हैंड्स में है सीरम पिस्टन एंड रिंग्स लिमिटेड के अंदर, तो इन्वेस्टर सेक्शन बहुत बढ़िया है। एक भी शेयर किसी के पास कंपनी ने प्लेज्ड करके नहीं रखा है एंड पिछले 3 साल का एवरेज रिटर्न 66.6% एंड पिछले 5 साल का एवरेज रिटर्न 39.8%। मैं आज जो 3 स्टॉक आप लोगों को दिखाया, रिटर्न का बारिश हो रहा है इस तीनों के तीनों स्टॉक में और कंपनी ग्रो कर रहा है। देखिए, ठीक है, फंडामेंटल देख के शायद आप लोगों को तो अंदाजा लग गया होगा, ठीक है, इसीलिए मुझे लगता है इस सारे कंपनी में इन द फ्यूचर भी रिटर्न बहुत जबरदस्त मिलेगा। सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ देख सकते हैं, डबल डिजिट पे चल रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ तो कमाल हो गया, 70% क्रॉस कर गया है और सीरम पिस्टन लिमिटेड अभी 52 हाई से ऑलमोस्ट 4% डिस्काउंट पे मार्केट में मिल रहा है। चलिए एक बार टेक्निकल के बारे में बात कर लेते हैं। फंडामेंटल तो नो डाउट बहुत बढ़िया है। टेक्निकल देखिए, कंटिन्यूअसली स्टॉक का स्ट्रेंथ क्या बोल रहा है, ऊपर ही जा रहा है, ठीक है, हमेशा हायर हाई करके ऊपर जा रहा है और अभी एक ब्रेकआउट दिया है। देखिए स्टॉक इस लेवल पे छोटा सा ब्रेकआउट दे दिया है, स्टॉक का जो ब्रेकआउट आया 2057 के पार चला गया है, स्टॉक ब्रेकआउट आया है और वॉल्यूम के साथ ये ब्रेकआउट दिया है। इधर से भी स्टॉक ऑलमोस्ट 25-30% रैली दिखा सकता है जिस तरह से वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट आया है, इसीलिए बोल रहा हूं। बट स्टॉक अगर बाई चांस नीचे आ जाए तो क्या करेंगे, मान लीजिए आप खरीद लिया बट स्टॉक नीचे आ गया, किस प्राइस पे आप एवरेज कर सकते हैं? देखिए सीरम पिस्टन एंड रिंग्स का यदि शेयर प्राइस आपको 1853 पे मिल जाता है नीचे में, तो आप उस जगह पर एवरेज भी करके चल सकते हैं। तो फंडामेंटल के साथ साथ सीरम पिस्टन एंड रिंग्स लिमिटेड का टेक्निकल भी मुझे बहुत बढ़िया लगा। दोस्तों ये था तीनों स्मॉल कैप स्टॉक जो ऑटो एंसिलरी में कामकाज कर रहे, डायरेक्ट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का रिप्रेजेंट कर रहे ये तीनों स्मॉल कैप कंपनी का स्टॉक, जो कि फंडामेंटली एंड फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग रहा है मुझे। बट ये किसी तरह की कोई भी रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है,
मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन एजुकेशन पर्पस के लिए इस वीडियो को बनाया है। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद का डीप रिसर्च जरूर करें। मैं बोल रहा हूं मतलब मेरे बातें सुन के आप तुरंत जाके इन्वेस्टमेंट कर देंगे ऐसा बिल्कुल भी ना करें। देखिए अगर आप मार्केट में कॉपी पेस्ट करेंगे तो आप इन फ्यूचर पछताएंगे, जरूर पछताएंगे, क्योंकि आप उस कंपनी के बारे में जानते ही नहीं। किसी के बातों में आके कॉन्विंस होकर ये स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया है, जब स्टॉक का शेयर प्राइस नीचे आएगा तो आपको मालूम नहीं होगा कि किस वजह से नीचे आ रहा है, क्योंकि फंडामेंटल तो आप कर ही नहीं। इसीलिए दोस्तों आप अच्छी तरह से रिसर्च करके किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें, या अगर खुद रिसर्च नहीं करना चाहते नो प्रॉब्लम, किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ कंसल्ट कर सकते हैं जो सेबी रजिस्टर्ड है। आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड। तो चलिए जाते जाते यही बोलना चाहूंगा, अगर आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट में लिंक पिन कर दिया है इंडिया के नंबर वन डिस्काउंट ब्रोकर हाउस का, उस लिंक के थ्रू आप बिल्कुल ही फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं। अगर आप हमारे लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो लाइफ टाइम के लिए आपका ब्रोकरेज चार्ज और डीमैट अकाउंट का एनुअल मेंटेनेंस चार्ज ये सब फ्री हो जाएगा, सिर्फ हमारे लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करके फायदा आपको मिल जाएगा। तो जल्दी जाइए लिंक को यूज करके फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए।